मेरे प्यार बहन भाई और मित्रों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं चटकीला सिरप के बारे में, इसके क्या फायदे, क्या नुकसान, इससे पूरी जानकारी जानने वाले हो। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप इस प्रोडक्ट को गैस बनने में भी यूज कर सकते हो, यदि आपकी एसिडिटी होती हो उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों गैस के कारण घबराहट महसूस होती हो उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों सिर चकराना व आंतों की खुश्की होना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों लीवर कमजोरी के कारण लीवर का खून न बनना इसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, और इसी के साथ साथ दोस्तों जिगर में भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, या फिर आंतों और मैदे पर सूजन होना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों आंखों की रोशनी कम होना व नींद कम आना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों बालों का टूटना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, या फिर बालों का झड़ना उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो, या दोस्तों सफेद बाल होना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों बॉडी में खुश्की सी महसूस होना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों कई बार हमारे शरीर पर इन्फेक्शन हो जाते हैं, या फिर जोड़ों में दर्द होने लगता है उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो, या फिर दोस्तों कमर दर्द हो उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो, या फिर दोस्तों आपके मसल्स यानी मांसपेशियों में दर्द होना, रुक रुक कर होना या बार बार होना या एकदम से उठना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो, या फिर दोस्तों हल्की मुल्की कब्ज हो जाना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो, यदि ये दोस्तों आपकी बॉडी में वीकनेस है उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको दो बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नंबर वन, अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज़ कर चुके हैं और आपको कोई भी परेशानी या किसी भी तरीके का अन्य साइड इफेक्ट दिखा है तो घबराए नहीं, तुरंत इस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर टू, किसी भी प्रकार की अन्य मेडिसिन या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट अपने डॉक्टर के सलाह के नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मरीज की, पेशेंट की उम्र अकॉर्डिंग अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्तों हर आदमी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, उनके हार्मोन्स के ऊपर, उनकी उम्र के ऊपर, उनके वजन के ऊपर उनकी जाँच करवाने के बाद डॉक्टर दवाइयां देता है। इसलिए दोस्तों पहले अपने डॉक्टर से परामर्श यानी कि संपर्क करें, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहां है, वरना सब मिट्टी समान है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप समझ। दोस्तों इतनी चटकीला सिरप की फुल इंफॉर्मेशन से जानकारी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।